नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उपभोक्ताओं को तमाम तरह की ठगी से बचाने के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे महंगी वस्तुओं के लिए उनके द्वारा तमाम चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिनके लगे होने पर उस चीज की गारंटी पूरी तरीके से होती है। अगर हम सोने की बात करें जो कि सबसे महंगी धातु है और शादी ब्याह के सीजन में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, अगर उसमें हॉलमार्क निशान है तो फिर आप पूरे विश्वास के साथ उसे खरीद सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी आइए इसके माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। ये हॉलमार्क जेवर की आजकल बिक्री शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी किया हुआ है कि व्यापारियों को हॉलमार्क वाला सोना बेचना है। हॉलमार्क वाला सोना बेचने में व्यापारियों को भी सहूलियत है और ग्राहकों को और ज़्यादा फायदा है। हॉलमार्क वाले सोने में गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप जो भी सोना बेच रहे हैं उसकी जो भी वापसी है वो आइटम के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आप ये कितने परसेंट में वापस लेंगे, और वो जो मेंशन रहेगा वो गवर्नमेंट ने हॉलमार्क सेंटर बनाए हुए हैं सभी जिलों में। तो हॉलमार्क सेंटर में अपने जेवर को भेज करके उसमें मार्किंग करवानी पड़ती है कि कौन से कैरेट का सोना है। ये तीन प्रकार के हॉलमार्क जो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं गवर्नमेंट ने पास किए हैं, एक 22 कैरेट वापसी, एक 18 कैरेट वापसी और एक 20 कैरेट वापसी। 22 कैरेट वापसी में 92% वापसी होती है, 20 कैरेट वापसी में 84% वापसी होती है और 18 कैरेट हॉलमार्क में 75% वापसी होती है। सबसे ज़्यादा अपने एरिया में बुंदेलखंड क्षेत्र में 20 कैरेट वापसी वाला सोना चल रहा है। यह सोना पहनने में ख़राब नहीं निकलता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। 22 कैरेट जेवर भी चल रहा है, 22 कैरेट जेवर थोड़ा सा मुलायम होता है तो इसमें से थोड़ा टूटने की शिकायत जल्दी आ जाती है। हॉलमार्क कोई भी हो, ग्राहक को हमेशा हॉलमार्क देखकर ही माल खरीदना चाहिए। हॉलमार्क देखकर खरीदने में ये फ़ायदा है कि उसकी वापसी उसमें प्रिंट रहती है तो ग्राहकों को ये श्योरिटी है कि ये माल हमारा इतने परसेंटेज में वापस होगा ही होगा। अगर वो हमारे पास आता है तो हम भी उतने में वापस करेंगे, हमारे पास नहीं आता है कहीं उसको दूसरी जगह बेचना पड़ता है तो भी उसमें उतने ही परसेंटेज वापसी में दाम मिल जाएंगे। इसलिए हॉलमार्क जेवर ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो दुकानदार अच्छा सोना बेचते हैं उनके लिए भी हॉलमार्क अच्छा है। और सभी व्यापारियों से, सभी ग्राहकों से हमारा विनम्र अनुरोध है, जितने भी व्यापारी हैं चाहे वो छतरपुर ज़िले के हों चाहे वो बाहर के हों, कि सभी लोग अपनी दुकान पर हॉलमार्क का जेवर ही रखें, हॉलमार्क का जेवर ही बेचें जिसमें ग्राहकों के साथ चीटिंग ना हो, ग्राहकों को सही सोना और सही जेवर मिले। इससे ग्राहकों को भी फायदा रहेगा, उनका विश्वास दुकानदारी के ऊपर बढ़ेगा, दुकान के ऊपर बढ़ेगा, इसलिए हॉलमार्क जेवर ही बेचना चाहिए। आजकल सोने के भाव में उतार चढ़ाव सारक की वजह से नहीं होता है, क्योंकि सारक कभी भी आती है जाती है लेकिन सोना स्थिर रहता है। इंटरनेशनल मार्केट से सोने के भाव गवर्न होते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी पोजीशन है सभी नॉर्मल हैं इंडिया में विदेशों में, तो सोने के भाव अधिकतर स्थिर बने रहते हैं। अगर आज कहीं भी देश में या विदेश में उथल पुथल हो जाती है, जैसे आजकल रसा और यूक्रेन का थोड़ा सा विवाद चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा 1,000 रुपया सोने में बढ़ोतरी हो गई है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया में सारी परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो सोना लगभग स्थिर चलता है, और असामान्य होने से सोने में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है।